वेलकम फ्रेंड्स, एआरजे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शाला सिद्धि के बारे में चर्चा करने वाला हूं और विस्तार से आपको ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से शाला सिद्धि का जो जानकारी है वो किस तरह से फीड कर सकते हैं। देखिए, वीडियो तो बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं, लेकिन वो जो वीडियो है वो मोस्टली इंग्लिश के अंदर है और आपको यहाँ पे मैं हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में बताऊंगा कि आपके ये जो शाला सिद्धि पोर्टल के जो बिंदु हैं वो आप किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे शाला सिद्धि के तीन वीडियो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे। पहला वीडियो तो मैंने आपके लिए बना रखा है जिसके अंदर आपको ये बताया है कि आप शाला सिद्धि पर अपने प्रोफाइल किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल यानी अगर आपके संस्था प्रधान चेंज हो गए हों तो उन नए संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किस तरह से आप उसमें भर सकते हैं, ये आपको सबसे पहले जरूरी होता है करना। तो ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बता रखा है और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि शाला सिद्धि पोर्टल पर किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी फिल कर सकते हैं। देखिए, लास्ट वाला जो स्टेप होता है जहां पर आपको बहुत सारे कुछ डेटाज हैं वो आपको लिखने होते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है और इस वीडियो के साथ में रहेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लंबा। इसलिए वो जो लास्ट स्टेप जो है स्कूल एवेल्यूएशन वाला, उसके अंदर आपको एक अलग से आपके लिए वीडियो बनेगा और इसी वीडियो के अंत में वह आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शाला सिद्धि पोर्टल पर किस तरीके से आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। इसी तरह की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक रहेगा और थोड़ी वीडियो की स्पीड जरूर ज्यादा रहेगी, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और लगातार साथ में बने रहें। सबसे पहले आपको गूगल के सर्च बॉक्स में लिखना होगा शाला सिद्धि, और जब आप लिख के सर्च करेंगे तो ये आपके सामने ऊपर वाली वेबसाइट आती है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वेबसाइट इस तरह से ओपन होती है। यहाँ पर आपको ये लॉग इन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। यूजर नेम के अंदर आपको आपके विद्यालय के डाइस कोड फिल करने हैं और पासवर्ड जो आपके विद्यालय के हैं वह पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट करना है। अगर आपको पासवर्ड बनाने में या पासवर्ड भूल गए या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड आप करना चाहते हैं, किसी तरह की समस्या आती हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको उसका समाधान दिया जा सके। जब आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, ये इस तरह का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो डेटा आप फिल कर चुके हैं उनके सामने ये सही का निशान आता है, जो प्रोग्रेस में होता है उस तरह की क्वेश्चन मार्क आता है, जो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया उसके सामने ये क्रॉस का निशान आता है और जो नॉट एप्लीकेबल हो उसके सामने ये इस तरह का निशान आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लर्नर्स के अंदर जो चार बिंदु हैं ये मैंने भर चुके हैं, भर दिए हैं, ये सही आ रहा है। टीचर्स के भी दोनों भर दिए हैं और स्कूल कंपोजिशन मैट्रिक्स है इसके भी सारे जो बिंदु हैं ये मैंने फिल कर दिए हैं और स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान है ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ये किस तरह से मैंने कंप्लीट किया है ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इस साइड में साइड के अंदर आपको ये लर्नर्स का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे लर्नर्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लर्नर्स से रिलेटेड यहाँ पे तीन बिंदु होते हैं और तीनों ही ओपन हो जाते हैं। पहला होता है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स का, दूसरा होता है लर्निंग आउटकम्स एनुअल और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स का, तीसरा होता है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट एनुअल का। तो यहाँ पे ये पहला बिंदु यहाँ पे ओपन हुआ है जिसके अंदर आपका सबसे पहले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी डिप्लोमेटिक प्रोफाइल यहाँ पे फिल करनी होती है, यानी आपको ये एंटर करना होता है कि आपके विद्यालय में एससी के स्टूडेंट कितने हैं, एसटी के कितने, ओबीसी कितने, जनरल कितने और माइनॉरिटी के कितने। ये वर्तमान सत्र की बात की जा रही है, यहाँ पे इस सत्र के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हैं और यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद में अगला बिंदु यहाँ पे दिया गया है क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, यानी कक्षावार जो वार्षिक उपस्थिति दर है ये पूछी गई यहाँ पे और ये आपको फिल करनी है पिछले वर्ष की। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाली डिटेल है, ये वर्तमान सत्र की फिल करनी है और ये जो नीचे वाले जो क्लास वाइज उपस्थिति जो है बॉयज और गर्ल्स की, ये आपको पिछले वर्ष की यानी जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर है उसकी करनी है। यहाँ पे बॉयज की और गर्ल्स की जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल में ऑटोमेटिक यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ जाएगा और इसका एक सूत्र भी है, आपको समझ में ये अगर नहीं आएगी किस तरह से कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए एक सूत्र भी दिया गया है। ये सूत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको लिखना है अगर आप बॉयज की निकाल रहे हैं तो जैसे आप जो कुल बॉयज है उनके सभी की जो टोटल उपस्थिति है वह लिखेंगे और यहाँ पे जो बॉयज की जो टोटल नंबर है कितने बॉयज हैं क्लास में वो लिखेंगे और यहाँ पर आपके जो कार्य दिवस है वह लिखेंगे और यहाँ पे गुणा 100 के अंदर जब आप इसके बाद में जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी यहाँ पे उपस्थिति आ जाती है। इसी तरीके से आपको गर्ल्स की निकालनी है, जब ये एंटर करेंगे क्लास वाइज उसके बाद में यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब जब ये जानकारी फिल कर देते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है।
लेकिन ये तभी करना है जब आपके ऊपर की तरफ ये लिखा आ जाए कि आपके डेटा है ये सक्सेसफुली सेव हो गए हैं। अगर इसके बाद में सेव नहीं होते हैं तो कोई आपके अगर इसमें कहीं लिखने में गलती हुई तो आप दूर करें, उसके बाद में आपको सबमिट करना है और वहीं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। उस नेक्स्ट बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपसे पूछा जाता है लर्निंग आउटकम्स आपके जो एनुअल और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है उसके आधार के ऊपर, और यहाँ पर ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर है उसी की पूछी जाती है। आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपके कक्षा एक के विद्यार्थी हैं वे अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग आपके 33% से कम वाले, 33 से 40 वाले, 40 से 41 से 50 वाले कितने कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है क्लास वाइज। अब आपके यहाँ पे ये जब दर्ज करते हैं उसके बाद में कई बार ये समस्या आ जाती है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसको कौन से जगह यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो बच्चे की ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग 5वीं क्लास का बच्चा है और उसी के ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसमें किस में रखना है, तो इसके लिए आपके लिए दिशा निर्देश जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। एक आदेश है जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आपको ये ग्रेड जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चों को जो नंबर है ये आपको लिखने हैं। जैसे कि 5वीं क्लास में 10 बच्चे हैं तो वो कौन कौन से कॉलम के अंदर यहाँ पे आएंगे, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है वो तैयार किए गए हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आप बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये आप फिल करें, उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद में ठीक उसी तरह आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी ओपन होता है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ जो लैंग्वेज हैं और जो मैथ साइंस और सोशल साइंस है इसके जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 8 के 8वीं कक्षा के आपके जो विद्यार्थी या फिर आपके जो भी कक्षा यहाँ पे शो होती है उसके जो भी आपको यहाँ पे कक्षा जो दी गई है उसके आपको टोटल स्टूडेंट के नंबर लिखने हैं कि इस लैंग्वेज के अंदर और इन सब्जेक्ट के अंदर कितने विद्यार्थी हैं वो परीक्षा के अंदर बैठते हैं और उनमें से कितने विद्यार्थी हैं उनके ग्रेड आई है ए बी सी डी और ई ग्रेड आई है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट लो परफॉर्मेंस का हो उसको यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है ये आपके लो परफॉर्मेंस का रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ये दिया गया है जो ग्रेड है इसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आप देख सकते हैं कि ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन कौन से ग्रेड के अंदर यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद में ये जब फिल कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है और उसी तरीके से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो लिखा गया ना परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह की डिटेल आपके सामने आता है, लिखा हुआ आता है कि ये आपकी डिटेल है या सक्सेसफुली सेव हो जाती है। ये देखने के बाद ही आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई एरर आती है वो दूर करनी है और उसी तरीके से आपको उसके बाद में एरर दूर करने के बाद में नेक्स्ट बटन के ऊपर सबमिट करना और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। लर्नर से रिलेटेड जो डिटेल है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे टीचर से रिलेटेड डिटेल है ये पूछी जाती है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है नंबर्स ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और उसके बाद दूसरा होता है टीचर्स अटेंडेंस। यहाँ पे आपको लिखना है कि वर्तमान सत्र के अंदर कितने जो कितने टीचर हैं ये कैटेगरी वाइज हैं, मेल है वो ट्रेंड कितने हैं एंड ट्रेंड कितने हैं, फीमेल है वो ट्रेंड कितने हैं अनट्रेंड कितने हैं, और टोटल जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके टोटल ट्रेंड कितने हैं और अनट्रेंड कितने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना है ठीक उसी तरह से और जब डेटा सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि टीचर्स अटेंडेंस के बारे में जिसमें पिछले जो एकेडमिक ईयर है उसके बारे में पूछा जाता है। आप यहाँ पे जरूर देख लें कि ये कौन से एकेडमिक ईयर की बात कर रहा है। पिछले एकेडमिक ईयर के अंदर आपको जो लॉन्ग मोर देन 1 मंथ कितने जो टीचर हैं उन्होंने छुट्टियां ली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अटेंडेंस के बारे में टाइप ऑफ लीव है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने जो टीचर हैं जिन्होंने 1 महीने से ज्यादा लीव ली है उनका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, और जो शॉर्ट लीव जो है अप टू 1 वीक एक 1 वीक के आसपास जो वो कितने ने ली है ये आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद में नेक्स्ट करना है। जरूर आप ध्यान रखें कि आप पहले सबमिट करें और उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करें। टीचर से रिलेटेड जो डिटेल है ये फिल हो चुकी है। अब आपको एक थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूँ। जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी और जब वीडियो शायद ज्यादा हो जाएगी तो ये इतना उपयोगी नहीं रहेगा। हो सकता है कि मेरी कोशिश ये है कि कम से कम समय के अंदर आपको ये पूरी जानकारी दी जा सके। देखिए यहाँ पे ये ओपन हो जाता है उसके बाद में यहाँ इसका हिंदी अनुवाद करके बताऊंगा कि ये क्या पूछ रहा है। पहले आप इंग्लिश में इंग्लिश के अंदर देख लो क्या पूछ रहा है। ये यहाँ पे इनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एडिक्वेंसी एंड यूजेबिलिटी और कोर स्टैंडर्ड जो है ये यहाँ पे दिए गए हैं 12। यहाँ पे देखिए स्कूल प्रेमिसेस है, इसके बाद में प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, क्लासरूम है, इलेक्ट्रिसिटी गजेट वगैरह ये सारी डिटेल है, लाइब्रेरी लेबोरेटरी रैम कंप्यूटर वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर है, हैंड वॉश है, एमडीएम है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। लेवल 1, 2, 3 है इसके अंदर, तो ये है अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेंसी और दूसरा है क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी के ऊपर है ये लेवल 1, 2, 3 और एन ए जो आपके एप्लीकेबल नहीं हो उसको आपको यहाँ पे एन ए के ऊपर क्लिक करके एन ए पे जब क्लिक कर देंगे तो ये आपके ये ऑप्शन है ये आपको फिल नहीं करने होंगे। लेकिन आपको ये जो प्रायोरिटी जो है ये आपको फिल करनी ही होगी
एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर, लो मीडियम हाई, इसके अंदर आपको ये फिल करना है। यहाँ पर ये एक प्रश्न दिमाग में आता है कि लेवल वन का मतलब टॉप है या फिर लेवल वन का मतलब लो है, तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लेवल वन जो है ये लो है, उसके बाद में उससे बढ़िया है तो लेवल टू आएगा, और सबसे बढ़िया है, बेस्ट है, तो आपके यहाँ पे लेवल थ्री आएगा, मतलब गुड बेटर बेस्ट की तरह आप समझ सकते हैं इसको। और ये पहला जो जो तीन कॉलम है ये दिए गए हैं एलिटी एंड एडुकेंसी के ऊपर, और दूसरा दिए गए क्वालिटी और यूजेबिलिटी के ऊपर। आपका आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद करके बता देता हूँ एक बार। ये अनुवाद मैंने किया है गूगल ट्रांसलेट से, इसलिए इसमें कुछ गलती की संभावना हो सकती है, इसलिए आप अपने खुद भी आप सोचें कि इसके अंदर क्या आ सकता है। ये इसको आप बिल्कुल आप सही नहीं माने, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट से किया हुआ ट्रांसलेशन है। देखिए आप यहाँ पे स्कूल परिसर है, खेल का मैदान और उपकरण है, इसके बाद में कक्षाएं और अन्य कमरे हैं, बिजली गैजेट है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर जहाँ प्रावधान मौजूद है वहीं पे आपको ये भरनी है, और जहाँ पे ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो आपको यहाँ पे अन्य बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। रैंप है, उसके बाद एमडीएम है, पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा और प्रसाधन, यानी ये चीजें यहाँ पे भरनी है। स्तर एक मैंने आपको बता रखा है कम से कम लेवल वाला, और स्तर दो है ये बेटर, और स्तर थ्री है ये बेस्ट होगा, और ये यहाँ पे सुधार के क्षेत्र जो है ये कम और मध्यम और उच्च यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से जानना हो तो आपको यहाँ प्रतिक्रिया मैट्रिक्स यानी रेस्पॉन्स मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है, इस रेस्पॉन्स मैट्रिक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, और अगर आप ये बिल्कुल सही जानकारी आप फिल कर लेते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रस्तुत यानी सबमिट वाला बटन मिलेगा इंग्लिश के अंदर, सबमिट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में जब सबमिट हो जाता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन यानी अगला डोमेन जो है नेक्स्ट डोमेन, इसके ऊपर आपको क्लिक करके अगले डोमेन के ऊपर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं यानी अगला डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस डोमेन में आपसे पूछा जाता है टीचिंग लर्निंग असेसमेंट के बारे में। यहाँ पे कुछ नौ यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, इस तरीके से कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए, आप इनको पढ़ सकते हैं, और इनका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंदी के अंदर ट्रांसलेटेड है, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि गूगल ट्रांसलेशन के द्वारा किया गया ट्रांसलेशन है, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, इसको आप देख लें। जैसे शिक्षकों का विषय और शैक्षणिक ज्ञान है, शिक्षकों के लिए शिक्षण के लिए योजना है, इसके अलावा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है, कक्षा प्रबंधन है, ये बिंदु यहाँ पे इस तरीके से हिंदी के अंदर होते हैं, और ये आप इनको यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग आपको लेवल के अकॉर्डिंग आपको फिल करने हैं, और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आपको सुधार के क्षेत्र है यानी इंप्रूवमेंट का जो एरिया है वो आपको सेलेक्ट करना है, कम मध्यम और उच्च के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रतिक्रिया मैट्रिक्स यानी रेस्पॉन्स मैट्रिक्स जो लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं, और इसके बाद में जब आप फिल कर देते हैं पूरी जानकारी तो आपको यहाँ पे सबमिट वाला बटन होता है इंग्लिश के अंदर, सबमिट लिखा होता है उस पर आपको क्लिक करके सबमिट करना है, और जब आप सबमिट कर देते हैं सेव्ड सक्सेसफुली आता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो अगला डोमेन है उसके ऊपर जाना होता है। ये यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन का डोमेन थर्ड है, यहाँ पर आपको लर्नर्स के प्रोग्रेस, अटेनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे कुल पांच बिंदु दिए गए हैं, और ये है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिंदु है किस तरीके से दिए गए हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगी, बिंदुओं को आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ, बस आपको हिंदी ट्रांसलेशन का जो पेज आपको देखना हो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सके। डोमेन थर्ड का ये हिंदी ट्रांसलेशन है जिसमें शिक्षार्थियों की उपस्थिति, शिक्षार्थियों की भागीदारी और जुड़ाव, शिक्षार्थियों की प्रगति, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास और उनकी प्राप्ति, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसका आपको उसी तरीके से आपको फिल करना है, सबमिट करना है, और उसके बाद में नेक्स्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। डोमेन फोर्थ जो है ये है मैनेजिंग टीचर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर स्टैंडर्ड यहाँ पे छह दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, टीचर्स अटेंडेंस वगैरह वगैरह यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप इनको इंग्लिश में तो आपको मिलेंगे, बताने की जरूरत नहीं है अगर आप समझते हो तो। उसके बाद में हिंदी में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कुछ ये जो वर्ड्स जो होते हैं उनका देख करके ओरिएंटेशन का क्या होता है, या फिर जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो इसके लिए आपको मैं हिंदी ट्रांसलेशन साथ दिखा देता हूँ। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन का अर्थ होता है उन्मुखीकरण। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं जिनका यहाँ पे हिंदी वर्डिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है आपके स्कूल का जो डोमेन फोर्थ है ये है यहाँ पे दिया गया है। चलिए आप यहाँ पे उसके बाद में सबमिट कर देवें, और सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन का ऑप्शन मिलता है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे
ये ओपन होता है आपके सामने स्कूल एविएशन कंपोजिट मैट्रिक्स का डोमेन 5। यहाँ पे आपको दिया गया है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कोर स्टैंडर्ड जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे चार बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको लेवल आपको यहाँ पे सेट करना है कौन से लेवल का है आपका जो स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और उसके बाद में प्रायोरिटीज ऑफ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है, नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करना है। हिंदी ट्रांसलेशन आपको करके दिखा देता हूँ मैं। हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने इस तरह का आता है। यहाँ पर आपको मैं पहले हर बार बताता हूँ कि आपको किसी भी इसकी अगर आपको लेनी हो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग डायरेक्शन है इसका नाम, यहाँ पे इसने सेटिंग दिशा कर दिया है। कुछ यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। और यहाँ पे ये इस तरीके से आपको ये डिटेल है ये फिल करनी है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे लास्ट लास्ट के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट डोमेन है ये आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपके जो डोमेन 6 है ये ओपन होता है। डोमेन 6 है इसके अंदर आपसे इंक्लूजन हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, आप इनको ऑप्शन को देख सकते हैं। और आपको उसी तरीके से आपको जैसे मैंने बताया था लेवल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग आपको सब फिल करना है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है, नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करना है। हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं समावेश संस्कृति है, इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश है, इसके अलावा शारीरिक सुरक्षा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, और स्वास्थ्य और साफ सफाई है। ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे बिंदु हैं, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जब सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आए उसके बाद में आपको नेक्स्ट डोमेन पे क्लिक करना है। डोमेन 7 के अंदर आपसे पूछा जाता है प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में। यहाँ पे ये जो SMC और SDM से रिलेटेड और जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये फिल करना है, प्रायोरिटीज सेलेक्ट करनी है, सबमिट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। हिंदी ट्रांसलेशन है ये इसका, ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको कुछ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद में आपको जब आप फिल कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना सबमिट पे, और उसके बाद में जब सेव हो जाते हैं तब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ पर मोस्टली जो मेन डिटेल है ये आप फिल कर चुके हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे लर्नर्स के बारे में जो चार यहाँ पे जो डिटेल थी आपने फिल कर दिए, टीचर्स के बारे में दोनों ये फिल कर दिए, और स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स है इसके आपने सातों डोमेन यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अगला आता है स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, ये आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि दो रीजन है इसके, पहला तो इस वीडियो की साइज बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा ये जो है इसको आपसे बहुत आपको बहुत तफसील से विस्तार से आपको बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ये आपको अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये फिल करना है। इस वीडियो के बाद में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अगर वीडियो ये अच्छा लगता है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे जो आपके स्टाफ है उनके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।